आज छठ का महापर्व है। आज यमुना नदी के अंदर सभी तैयारियां हो चुकी हैं और आम जनता जो छठ को मनाने वाले हैं, जो महापर्व को मनाने वाले हैं, वो धीरे धीरे करके अपने इलाकों से, अपने घर से निकल चुके हैं। यहाँ कुछ साथी हैं जो इस तैयारी में लगे हुए हैं और ये इस तरीके से घाट बनाया जा रहा है। और मैं सामने में जो दिखाने जा रहा हूँ, ये पुल जो है, ये वजीराबाद का पुल है और इस वजीराबाद का पुल बहुत पुराना पुल है। और इससे पल्ली तरफ जो ये दीवार दिखाई दे रही है, उस दीवार के पल्ली तक पानी रोका गया है और आज छठ का पर्व होने के कारण यमुना जी के जल को इधर छोड़ा गया है, क्योंकि ये जगह जो बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर सभी लोग आकर आज सूर्य जिस समय अस्त होगा तो उनको अर्घ देंगे, सूर्य देवता की पूजा करेंगे। और एक हमारे साथी जो ये बड़े पता नहीं कल से लगे हुए हैं या अभी से लगे हुए हैं, ये अपना एक यहाँ खड़े होने की व्यवस्था बनाएंगे। तो आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या व्यवस्था है। हम लोग लगे हुए काफ़ी तरीके से, धूमधाम तरीके से यहाँ पे साफ सफाई करके पूजा की तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो आज आपने बोला कि शाम को हम यहाँ पूजा करेंगे, शाम कितने वक्त तक आप पूजा करेंगे? यहाँ पे 5 बजे के करीब हम लोग पूजा शुरू करेंगे, जब तक अंधेरा नहीं होगा जब तक सूर्य अस्त तक पूजा करेंगे। और फिर सुबह 4 बजे यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। सुबह 4 बजे कितने बजे तक करेंगे? 4 बजे से जब तक सूरज नहीं उगता, जब तक सूर्य भगवान का जब तक सूरज उगता जब तक पूजा करेंगे। उद्देश्य इसलिए मनाया जाता है, पूर्वज से ही मनाते आया है, समझे कि नहीं। इस पर्व से जो भी हम राणा माई से, दिनकर दीनानाथ जी से मांगते हैं वरदान, हमें पूरा हो जाता है। तो हमें मन में ये आ जाता है कि हमने भगवान से मांगा, हमें पूरा हो गया। बाल बच्चे के लिए मांगा कि काया कुष्ठ बढ़िया, बाल बच्चा निरोग रहेगा, समझे ना, तो ये चीज़ पूरा हो जाता है आदमी को। तो ये पर्व करना शुरू जो है आदमी करना शुरू कर देता है। कब से 200 साल से हमने यहाँ करते हुआ पर्व आया यमुना जी में, 20 साल से लगातार जी इसी जगह उजीराबाद में हम लोग आते हैं। और यहाँ पर जो है से हम 12 साल से पानी में खड़ा होता हूँ, 12 साल से लगातार। आप कब से कब तक खड़े होते हैं पानी के? ये जैसे सर 5:30 बजे इसमें तब जाएंगे पानी, जैसे सूरज डूबेंगे तो अभी डूबते हुए सूरज की पूजा करके हम निकल जाएंगे बाहर। फिर सुबह 4 बजे इसमें घुस जाएंगे हम, तो उगते हुए सूरज की पूजा करूँगा और उसके बाद पानी से हम लोग निकलूँगा, उसके बाद यही हम लोग घर यहाँ से निकलूँगा। बाकी रात भर हम लोग इसी घाट पर ही रहेंगे। आप लगातार 20 साल से यहाँ आ रहे हैं, तो आपकी कुछ मन्नतें दीनानाथ जी ने पूरी की हैं? बहुत 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 इनका आभारी हूँ मैं, बहुत पूरा किए मुझे, जो जो मैंने मांगा उन्हें मेरे को पूरा कर दिए। दीनानाथ जी आप किस, आपका नाम? पुष्पा जी। पुष्पा ठाकुर। पुष्पा ठाकुर, हाँ। पुष्पा ठाकुर जी, आप यहाँ कब से आ रही हैं? मैं 20 साल से आ रही हूँ, जब मेरे पैर 20 साल से लगा था। हाँ। तो आपको यहाँ सीखने को क्या मिला? मैं सीखने को वही पूजा वगैरह होती है, हम ऐसे ही देखते आए हैं कि हमारी फैमिली कैसे पूजा करती है और मन्नतें जो करती है वो भगवान जी पूरा करते हैं। तो पूजा आप लोग कैसे करते हैं? सब अपने घर से तरह तरह के भोग बना के लाते हैं, बाजार से फ्रूट्स वगैरह खरीद के लाते हैं, फिर यहाँ पे लाके सब आगे पसार के फिर भगवान को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन वो अभी बताया था कि 2 दिन ना तो कुछ पानी पीते हैं ना, हाँ, खाना खाते हैं। हाँ, जो व्रत करते हैं वो लोग मतलब 3 दिन से, वो व्रत जो होता है 36 घंटे का होता है, निर्जला व्रत होता है। और इस व्रत में क्या होता है कि ना तो पानी ना कुछ भी नहीं पीना होता है, ओनली फास्ट होता है। 36 घंटे खरना सज का अर्घ और बिनसुर का अर्घ, 3 अर्घ होता है जो सूर्य देव, खरना सज का अर्घ और सुबह का अर्घ। खरना किसे कहते हैं? खरना में पूरे दिन फास्ट होता है और खीर का प्रसाद बनाया जाता है, पूरे मतलब एरिए में बांटा जाता है, जितने भी लोग होते हैं सभी में बांटा जाता है ये प्रसाद, जितने के मुँह में जाता है बहुत ही अच्छा होता है, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती है। हो सकती है? नहीं, हो जाती है, होती है। तो मतलब 36 घंटे तक आप लोग कुछ नहीं खाते हैं? नहीं, मतलब ओनली व्रत, जो व्रती होते हैं छठ व्रती जो होते हैं वही 36 घंटे तक व्रत रखते हैं। तो महिला ही व्रत रखते हैं या जेंट्स भी? जेंट्स भी रख सकते हैं, महिलाएं भी, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल महिलाएं रखेंगी, जेंट्स भी रख सकते हैं। अगर जो मन्नत करते हैं वो ये व्रत रखते हैं और वो पूरी विधि विधान से रखते हैं। माता रानी, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
ए माता रानी, इसमें ना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो आप सूर्य देवता को मानते हैं, फिर दूसरा माता देवी से आप प्रार्थना करते हैं, तो आप दोनों में से किसको ज्यादा अहमियत देंगे, सूर्य देवता को या माता जी को? सूर्य देवता को, ये व्रत उनके लिए ही होता है, सूर्य देवता जी के लिए। और ये जो फ्रूट वगैरह हैं और ये सब इकट्ठा करके लाए हैं आप लोग, इनका आप लोग क्या करेंगे फिर? इनका अभी पूजा होगी, भोग लगाया जाएगा, फिर ये घर ले जाते हैं, फिर अपने मतलब आस पड़ोस में सबको प्रसाद के रूप में बांटते हैं।